नमस्कार, वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। आधे देश में गहराया बिजली संकट, भीषण गर्मी की वजह से बिजली की मांग बढ़ने के कारण बनी स्थिति। रात को गडकरी से मिलने पहुंचे अजीत पवार और वलसे पाटिल, राजनीतिक चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। और विकास कार्यों को लेकर अजीत पवार ने भाजपा को कोसा, कहा 15 साल से विधायक पर नहीं दे पाए जनता को पानी। और अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी के चलते देश भर में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, साथ ही देश के एक चौथाई पावर प्लांट बंद है। नतीजा 16 राज्यों में 10 घंटे तक के लिए लोड शेडिंग शुरू हो गई है। इससे आधे देश में अंधेरे की आहट मिल रही है और ये चिंता का विषय बनता दिखाई दे रहा है। देश के कई प्रमुख राज्यों व राजधानी दिल्ली सहित कई महानगरों में भयंकर बिजली संकट है। इसके कारण नागरिकों को घंटों लोड शेडिंग की मार सहन करनी पड़ रही है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक देश भर में 10,000 मेगावाट यानी 15 करोड़ यूनिट की कटौती हो रही है, लेकिन बिजली की कमी वास्तव में कहीं ज्यादा है। उधर कोयले की कमी के संकट के बीच दिल्ली सरकार ने मेट्रो और अस्पतालों समेत कई आवश्यक संस्थानों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति में असमर्थता जताई है। राजधानी के प्लांट्स में एक दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश में 3000 मेगावाट से ज्यादा की कमी है। उसी तरह महाराष्ट्र में भी स्थिति बनती नजर आ रही है। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने राज्य की जनता को आश्वस्त किया है कि वे हर हालत में लोड शेडिंग को रोकने का प्रयास करेंगे। राउत ने कहा है कि देश के 16 राज्यों में लोड शेडिंग हो रही है, जिसमें अधिकतर भाजपा शासित है। महाराष्ट्र में पूरी ताकत लगाकर लोड शेडिंग नहीं होने देने का काम किया जा रहा है। बिजली कंपनी के सारे अधिकारी और सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि कहीं लोड शेडिंग न करनी पड़े। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने के बाद अब बीजेपी राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के साथ युति करने की तैयारी में है। फिलहाल जो राजकीय समीकरण सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS ने बीजेपी मनसे गठबंधन को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। ऐसी रिपोर्ट है कि 21 अप्रैल को नागपुर में RSS प्रमुख मोहन भागवत, महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महासचिव शिव प्रकाश की एक बैठक हुई, जिसमें मनसे के साथ गठबंधन पर चर्चा हुई। इसके बाद फडणवीस ने 24 अप्रैल को राज ठाकरे के पास अपने खास संदेशवाहक को भेजा था। हाल के दिनों में राज ठाकरे ने जिस तरह से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने की मुहिम को छेड़ा है, उससे बीजेपी को भी लग रहा है कि शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद उन्हें जिस तरह के हिंदूवादी पार्टी की तलाश है, उस पर मनसे खरी उतर दी है। हालांकि राज ठाकरे के उत्तर भारतीयों के प्रति उनके रवैये को लेकर बीजेपी अभी आश्वस्त नहीं है। ऐसे में मनसे के साथ गठबंधन की औपचारिक घोषणा को लेकर बीजेपी अभी और इंतजार करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने उनके निवास स्थान पर जाकर मुलाकात की, जिससे अब नई नई चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा है। पवार और वलसे पाटिल पुलिस भवन की नई इमारत के उद्घाटन अवसर पर मिले थे। पवार ने बताया कि उन्होंने गडकरी से राज्य की सड़कों के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि से बीते वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी भरपूर निधि की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष गडकरी ने राज्य की सड़कों के लिए SRF से करोड़ों की निधि दी थी, जिससे राज्य भर में सड़कों का निर्माण हुआ। इस वर्ष भी उनसे उसी तरह निधि देने की मांग की है। बताते चले कि पुलिस भवन उद्घाटन समारोह में गडकरी शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि वे तेलंगाना दौरे पर थे। समझा जा रहा है कि इसीलिए ही पवार वलसे पाटिल उनसे मुलाकात करने उनके निवास स्थान पहुंचे। तीनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक विविध विषयों पर चर्चा होने की जानकारी है। कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। राज्य में जिस तरह भाजपा और शिवसेना के बीच खुले रूप से विविध विषयों को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, भाजपा द्वारा महाविकास आघाड़ी सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, चर्चा का विषय इन्हीं मुद्दों के आसपास घूमने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। दादा 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 नेमकी भेट कशासाठी होती दादा? वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं,
मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश। पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो। बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यवतमाल वाशिम की शिवसेना सांसद भावना गवली को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर समन भेजा है। गवली को महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान मामले में 5 मई को एजेंसी के सवालों के जवाब देने के लिए उसके दक्षिण मुंबई स्थित ऑफिस में हाजिर रहने को कहा गया है। ईडी इससे पहले भी 3 बार गवली को समन भेज चुकी है, लेकिन वे बीमारी और संसद सत्र का हवाला देकर जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई। गवली चौथी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुई तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अदालत जा सकती है। इस मामले में गवली के ठिकानों पर छापेमारी के अलावा उनके करीबी सईद खान को जांच एजेंसी गिरफ्तार भी कर चुकी है। ईडी खान का 3,75,00,000 रुपए का फ्लैट भी जब्त कर चुकी है। विकास की राजनीति का आह्वान करते हुए उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा। किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कुछ नेता राज्य में केवल सामाजिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व नागपुर में विकास कार्य का जिक्र करते हुए उन्होंने विधायक कृष्ण खोपड़े को आड़े हाथ लिया। खोपड़े का नाम लिए बगैर कहा कि पूर्व नागपुर में समस्या ही समस्या है, जनता को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। 15 साल तक विधायक रहने वाला जनप्रतिनिधि भी पानी नहीं दिला पा रहा है। मनपा में उनकी सत्ता रही है, फिर भी पानी क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? जिनके शरीर में ही पानी नहीं है, वे जनता को कहां से पानी दिलाएंगे? शुक्रवार को प्रेमनगर में विकास कार्यों के उद्घाटन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे। उप मुख्यमंत्री के सहयोग से पूर्व नगर सेवक आबा पांडे ने 2,30,00,000 के विकास कार्य कराए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पांडे जैसे जनप्रतिनिधि सही मायने में जनता का साथ दे रहे हैं। कार्यक्रम में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल प्रमुख अतिथि थे। पूर्व नागपुर में स्मार्ट सिटी प्रकल्प पीड़ित डंपिंग यार्ड के प्रदूषण, नाग नदी परिसर की समस्या के अलावा OCW की अनियमित जलापूर्ति के मुद्दों का उप मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने सवाल किया कि 15 वर्ष तक विधायक रहने वाले इन समस्याओं को लेकर क्या करते रहे। राज्यातली कायदा सुव्यवस्था अतिशय चोख ठेवण्याच्या करता आपले पोलीस गंभीर आहेत, मजबूत आहेत, त्यांना तशा प्रकारच्या सूचना दिलेल्या आहेत। आम्हाला कुणाला सभा घ्यायची म्हटलं तर त्यांना सभा घ्यायला तर प्रत्येकाला अधिकार आहे। फक्त सभा घेत असताना ज्याच्यातनं वातावरण खराब होणार नाही अशा प्रकारे पोलीस लोक कुणाची सभा असताना सांगतात, किती वाजता सभा सुरू केली पाहिजे, किती वाजता संपवली पाहिजे, कशा पद्धतीनं साधारण त्याच्यामध्ये आपण बोललं पाहिजे, त्या प्रकारे त्यांना ते सगळं विचारू पाहून तिथल्या पोलीस आयुक्तांनी परवानगी दिलेली आहे। पोलीस इमारतीच्या उद्घाटनावरून आज नाराजी नाट्य म्हटलं, फडणवीस नाराज होते आले नाहीत,
एक मिनिट कशाबद्दल तक्रार करणार? आपल्याला एक माहिती का, पाठीमागच्या काळामध्ये मी राज्याचा उपमुख्यमंत्री असताना आपल्या पुण्याचं सर्किट हाऊस आम्ही सुरू केलं. पूर्ण झालं ते देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर झालं. देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी उद्घाटन केलं. ही सतत चालणारी प्रक्रिया, सरकार येत असतात, सरकारं जात असतात, काहींच्या काळामध्ये भूमिपूजनं होतात, काहींच्या काळामध्ये उद्घाटनं होतात. त्याच्यामध्ये एवढं काही फार त्याला महत्त्व द्यायचं कारण नाही. गडकरी साहेबांच्याकडं जाण्याचं कारण, सेंट्रल रोड फंड हा दरवर्षी केंद्र सरकार देशाला देत असतो. गेल्या वर्षी सेंट्रल रोड फंड आपल्या महाराष्ट्राला 1200 कोटी रुपयाचा मिळालेला होता. त्यावेळेस गडकरी साहेब म्हणालेले होते की 600 कोटी रुपयाची कामं महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी सुचवावी, 600 कोटी रुपयाची कामं ही भाजपच्या आमदारांनी सुचवावीत. शेवटी महाराष्ट्रात 1200 कोटी रुपये केंद्राचा निधी येत असेल तर उद्धव ठाकरे साहेब, अशोक चव्हाणजी, मी, आम्ही सगळ्यांनी निर्णय घेतला की हरकत नाही, त्याच्यातून 600 कोटीची भाजपच्या मतदारसंघामध्ये त्यांनी दिलेली यादी आणि 600 कोटीची आघाडीच्या मतदारसंघातली यादी, शेवटी भागातलेच प्रश्न निघतायत म्हणून तो पैसे आपण खर्च केले. तसं आता नवीन वर्ष सुरू झालेलं आहे, या वर्षी पण तसा काही निधी आपण देऊ शकाल का? तर तसा आपण दिला तर आम्ही सगळ्यांना तो निधी, कारण तो निधी डायरेक्ट त्यांना देता येत नाही, केंद्राला राज्याला द्यावा लागतो आणि राज्य खर्च करतं, म्हणून त्याच्यात समन्वय असावा. त्याच्यात कारण नसताना विकास कामामध्ये कुठं राजकारण येऊ नये म्हणून मी आणि दिलीप वळसे पाटलांनी ती चर्चा केली. आणि त्याच्याचबरोबर ROB आणि RUB ह्याकरता केंद्र सरकार काही करोड रुपये निधी देत आहे. तर तो निधी देत असताना त्यांनी असं सुचवलं, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 6 रिजन आहेत, 6 रिजनमध्ये जे स्टेट हायवे आहेत, स्टेट रोड आहेत, त्या रोडमध्ये देखील तुम्हाला ROB आणि RUB करायचं असेल तर ती नावं सुचवा आणि त्याच्यात आपण तुम्हाला निधी देऊ. ते एक त्याच्यामधलं काम होतं. अशा या दोन आणि काही रिंग रोडची कामं चाललेली आहेत, तर त्याच्यामध्ये रस्ते विकास महामंडळ आणि नॅशनल हायवे ह्या दोघांचा समन्वय साधून कशा पद्धतीनं आपल्याला पुढं जाता येईल. आणि नवीन टेक्नॉलॉजी एक आलेली आहे, आपल्या नागपूरमध्ये जी मेट्रो झाली त्याचे कॉलम समजा 30 मीटरवर असतील तर आता जवळपास 120 मीटरपर्यंत लांब हा कॉलम त्यागता येतो असं गडकरी साहेबांनी आम्हाला सांगितलं. ती टेक्नॉलॉजी नवीन आलेली आहे. ते म्हणले आता मी पण तशाच पद्धतीनं परवानग्या देतो आहे, ह्याच्यातनं वाहतुकीला सुटसुटीतपणा येतो, अडथळे कमी होतात आणि त्याचाही विचार राज्य सरकारनी करावा. आणि त्याचा एक प्लांट इथंच पुणा मुंबई एक्सप्रेस हायवेच्या जवळ सुरू झालेला आहे, त्या प्लांटला ऑलरेडी ऑर्डर मिळायला लागलेल्या आहेत. ती एक चर्चा झाली, ह्या अशा चर्चेच्या करता आम्ही केलेलो. आम्ही स्वतः गॅसवरचा कर 13.5% 3% आला, आपल्याला माहिती ना, केला की नाही कमी? 1000 कोटी रुपये राज्य सरकारच्या तिजोरीमध्ये येणारा टॅक्स हा आम्ही, गॅसचा दर महाराष्ट्रातल्या लोकांना परवडावा म्हणून त्या ठिकाणी कमी केला. मी याबद्दल कालच वक्तव्य केले मुंबईत, पुन्हा पुन्हा तेच प्रश्न विचारताय. माझे वक्तव्य सगळ्या महाराष्ट्रात आले की ह्या संदर्भामध्ये जसं वन नेशन वन टॅक्स केंद्रादी लावला त्या धर्तीवर त्यांनी विचार करावा. आणि जम्मू काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत सगळ्या राज्याच्या प्रमुखांना विश्वास. महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर रविवार 1 मई को सीताबर्डी फोर्ट आम लोगों के लिए खुला रहेगा. रक्षा मंत्रालय जनसंपर्क के अधिकारी रत्नाकर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि सुबह 9 से शाम 4 बजे तक पर्यटक ऐतिहासिक किले का अवलोकन कर सकेंगे. रेलवे स्टेशन के पास स्थित आर्मी रिक्रूटमेंट कार्यालय के गेट से ही पर्यटक प्रवेश कर सकेंगे. किले में आने वाले पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. पंजाब के पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च को लेकर 2 समूहों के बीच हुए पथराव में 2 लोग घायल हो गए. स्थिति को
नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को हवा में गोलियां चलानी पड़ी। ये झड़प काली माता मंदिर के बाहर उस समय हुई जब शिवसेना नामक एक संगठन के सदस्य ने खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकालना शुरू किया। पुलिस ने बताया कि निहंगों सहित कुछ सिख लोगों ने संगठन के कार्यक्रम के खिलाफ एक और मार्च निकाल दिया। काली माता मंदिर के पास दोनों गुट आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पथराव कर दिया। शहर में स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए मंदिर के द्वारों को बंद कर दिया गया और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। पथराव में एक पुलिसकर्मी समेत दो लोग घायल हो गए हैं। शिवसेना के एक नेता ने कहा कि संगठन ने 29 अप्रैल को खालिस्तान के स्थापना दिवस के मौके पर सिख फॉर जस्टिस की घोषणा के जवाब में मार्च निकालने की योजना बनाई थी। तो वीकेबी मॉर्निंग बुलेटिन में अभी इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।